अस्सलाम वालेकुम। दीन के बाद चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमाए। एक शख्स बारगाह आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर होकर ईमान पर खात्मा बिल खैर के लिए दुआ का तालब हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया, रोज़ाना 41 बार सुबह को या हय्यो या क्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, यानी ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ हमेशा कायम रहने वाले, कोई माबूद नहीं मगर तू, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ने सोते वक्त अपने सब और रात के बाद सूरह काफिरून रोज़ाना पढ़ लिया कीजिए। इसके बाद कलाम वगैरह ना कीजिए, हाँ अगर ज़रूरत हो तो कलाम करने के बाद फिर सूरह काफिरून तलावत कर लें कि खात्मा इसी पर हो, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल खात्मा ईमान पर होगा। और 3 बार सुबह और 3 बार शाम इस दुआ का विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिका बिका शैअन नालमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नालमुहु, यानी ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तेरी पनाह मांगते हैं इससे कि जानकर हम तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करें और हम इससे इस्तगफार करते हैं जिसको नहीं जानते। बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफसी व वल्दी व अहली व माली, यानी अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दीन जान औलाद और अहलो माल की हिफाजत हो। सुबह और शाम 3-3 बार पढ़िए, दीन ईमान जान माल बच्चे सब महफूज रहे। गरूबे आफ्ताब से सुबह सादिक तक रात और आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक सुबह है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।